राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल वाले भाई हैं, जितनी भी अपनी फीमेल कांस्टेबल वाली बहनें, सभी को राम राम। सबसे पहले तो भाई आप सभी साथी जितने भी भाई बहन हैं, एक टेलीग्राम का लिंक आपको दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितनी भी अपडेट होंगी हरियाणा पुलिस से संबंधित हो चाहे अदर हरियाणा सिटी से संबंधित हो, दोनों अपडेट जो हैं वो आपको टेलीग्राम पे फास्ट मिल जाएंगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी, कुछ भी अच्छी अपडेट मिलेगी या फिर कुछ हमें आपको बताना होगा, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे एक मैसेज छोड़ दूंगा, जिससे आपको सबको पता लग जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं भाई अपने हरियाणा पुलिस के रोस्टर की। तो यहाँ पर देखिए, रोस्टर जो है वो चेंज हो चुका है, 8 मई से ये इफेक्टिव होगा। 8 मई से जो है ना, ये रोस्टर जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। अब अपना जो केस है वो कौन सुनेगा, तो यहाँ पर अगर डिटेल में देखा जाए तो मैं बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ भाई। देखो यहाँ पर थोड़ा नीचे चलते हैं, तो भाई सबसे पहले अगर मैं जब तक नीचे जाता हूँ, तब तक आप सभी के सभी एक बार चैनल को, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो ज्वाइन कर लीजिए, वो अपना खुद का चैनल है, ठीक है भाई, वो अपना खुद का चैनल है। तो सारे सारे भाई जो हैं वो ज्वाइन कर लीजिए। अब देख लीजिए भाई, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे जो जस्टिस हैं वो राजमोहन जी हैं। अभी हमारे केस की सुनवाई हो रही थी, वो भी राजमोहन जी के पास में हो रही थी। तो जो अपना जो रोस्टर चेंज हुआ है, उसमें भी जो अपने गवर्नमेंट सर्विस जो है हरियाणा पुलिस, उसके जो केस देखे जाएंगे वो हमारे राजमोहन जी के पास ही देखे जाएंगे। मतलब रोस्टर चेंज हुआ है, लेकिन हमारे केस के ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब हमारे जज जो हैं वो राजमोहन जी ही रहने वाले हैं। एक राहत भरी, मतलब छोटी सी राहत है, राहत इसको हम कैसे बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए जज नए आते तो डेफिनेटली 25 तारीख को हमें एक डेट और मिलती, इस चीज़ में तो 100% श्योर थे। लेकिन अब क्या है, अब राजमोहन जी अगर सुनवाई करेंगे, अगर हम थोड़ा एफर्ट लगाएं, थोड़ा नहीं बहुत अच्छे तरीके से अगर एफर्ट लगाएं, प्रोटेस्ट करें या फिर जो भी अच्छी सी प्लानिंग करके हम अपने कदम बढ़ाएं, तो भाई 25 तारीख को फैसला भी आ सकता है। क्योंकि जज साहब जो हैं वो बदले नहीं हैं, रोस्टर में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, हमारी सुनवाई जो है वो राजमोहन जी ही करेंगे। तो ये एक बढ़िया खबर है, इसको हम अच्छा मान सकते हैं हमारे लिए। 25 तारीख को सुनवाई अगर अच्छी होती है तो सिर्फ इसके रीज़न, मतलब ये रीज़न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर मान लीजिए कुछ नए जज आ जाते हैं ना, तो भाई 100% जो है कुछ भी कर लेते, जजमेंट वो नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक अच्छी खबर है। साथ में ही मैं दोबारा से बोल रहा हूँ भाई, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे भाई और सारी बहन ज्वाइन कर लो अभी की अभी। जितनी भी अपडेट होंगी, मान लीजिए कुछ टाइम ऐसा होता है कोई अपडेट देनी हो तो यूट्यूब पे वीडियो बनाने पॉसिबल नहीं होता, तो मैं अपना एक मैसेज लिखकर आपको टेलीग्राम पर छोड़ दूंगा, तो आप सभी के सभी भाई ज्वाइन कर लीजिए अभी। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक वीडियो कल और आएगी अगली प्लानिंग के साथ में कि क्या हमें करना चाहिए। थैंक यू सो मच।